नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर और मैं हूं आपके साथ ज्योति सिन्हा। बिहार में शराबबंदी कानून लागू हुए कई साल बीत चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ये कानून पूरी तरह से फेल होता नजर आ रहा है। एक और जहां कागजी तौर पर इस कानून के लागू होने के बाद किन चीजों में सुधार हुई है इन्हें दिखा दिया जाता है, लेकिन धरातल पर अगर देखा जाए तो इसमें क्या कुछ अब भी सुधारने की जरूरत है ये साफ हो जाता है। जहरीली शराब की वजह से लगातार हर साल 100 से ऊपर लोगों की मौतें हुई है, इसके बावजूद भी ये कानून जो है लोगों के लिए और भी ज़्यादा परेशानी ही बनता जा रहा है। बता दें कि शराब तस्कर लगातार शराब तस्करी में सक्रिय हैं। पुलिस चाहे कितना भी वादा कर ले फिर भी फेल हो जाते हैं। वहीं आपको बता दें कि मुंगेर में अवैध शराब के कारोबार को पता करने के लिए पुलिस ने छापेमारी की, जिस दौरान 325 लीटर शराब बरामद किया है और 6 देसी शराब के ठेकों को जब्त करते हुए नष्ट किया है। मुंगेर में अवैध शराब निर्माण और तस्करी की गुप्त सूचना पर बड़ियारपुर थाना की पुलिस ने नीरपुर बहियार में छापेमारी कर 325 लीटर अवैध देसी महुआ शराब जब्त किया है। इस दौरान पुलिस में शराब निर्माण की 6 भट्टी को नष्ट करते हुए 3000 किलो फूला हुआ जावा महुआ को भी नष्ट किया। वहीं आपको बता दें कि शराब निर्माण में प्रयुक्त होने वाले कई उपकरणों को पुलिस जब्त कर साथ ले आई। एसपी जे रेड्डी ने बताया कि बड़ियारपुर पुलिस की नीरपुर में अवैध देसी शराब के निर्माण और तस्करी की गुप्त सूचना मिली थी, जिसके बाद सत्यापन के बाद बड़ियारपुर थाना प्रभारी के नेतृत्व में टीम गठित कर नीरपुर बहियार में छापेमारी कर निर्देश दिया गया। छापेमारी करने पहुंची पुलिस को देख शराब निर्माण में जुटे लोग भाग गए। इस दौरान देसी शराब की 6 भट्टियों को ध्वस्त किया गया है और शराब निर्माण में प्रयुक्त होने वाले उपकरणों को भी जब्त कर लिया गया है, जबकि 3000 केजी फूला हुआ जावा महुआ को नष्ट करते हुए 325 लीटर तैयार देसी महुआ शराब जब्त किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ पीआर लाइव, पटना। We'll be right back.